और भाई क्या हाल चाल है आप सबका, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो में ना एक बड़ा यूनिक रेड नोट साइज एकुस्टिक गिटार रिव्यू करूंगा। यहाँ पे मेरे पास हेक्स का SJ300। अब हेक्स जो है ना वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स हो गए 2023 में, क्योंकि यार इनके जितने भी गिटार्स मैंने अभी तक ट्राई किए हैं मेरे को बहुत ही बढ़िया लगे हैं। काफी बढ़िया क्वालिटी के गिटार्स है एट अ वेरी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट। तो यहाँ पे बात करें पर्टिकुलरली SJ300 की, तो SJ का मतलब हुआ सदर्न जंबो, और सदर्न जंबो जो है वो एक भी डिफरेंट शेप हो जाती है अकूस्टिक गिटार की। तो इस शेप को जो है बेसिकली गिब्सन ने बनाया था सबसे पहले अराउंड 1940s में, और उन्होंने भी पॉपुलराइज किया इसको। और अब ऐसा नहीं है कि हर ब्रांड जो है इस तरीके की शेप ऑफर करता हो, लेकिन यहाँ पे हेक्स जो है ये सदर्न जंबो शेप ऑफर कर रहा है। तो भाई सदर्न जंबो शेप से फायदा क्या मिलेगा आपको, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एक ड्रेडनॉट जैसी है, दिस इज मोर लाइक अ स्लोप शोल्डर ड्रेडनॉट। तो यहाँ पे क्या है, जो इसका लोअर बाउट है वो आपके एक रेगुलर ड्रेडनॉट साइज अकूस्टिक गिटार जैसा है, लेकिन जो अपर बाउट है वो नैरो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है वो ड्रेडनॉट गिटार की क्वालिटीज तो मिल रही है टोन वाइज, लेकिन यहाँ पे आपको जो है थोड़ा कंफर्ट भी मिल जाता है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल या स्क्वायर शोल्डर ड्रेडनॉट। तो चलो अब बात करते हैं स्पेक्स की। तो यहाँ पे भाई इसमें आपको मिल जाता है एक सॉलिड स्प्रूस टॉप, जो बैक एंड साइड्स है वो बनी है लैमिनेटेड अफ्रीकन सपेले की, जो नेक है वो बना है इंडोनेशियन महोगनी का। और यहाँ पे एक बार अगर फिनिश की भी बात कर ले तो यहाँ आपको जो बॉडी है वो ऑल ग्लॉस फिनिश में मिल जाती है, जो नेक है वो आपको मैट फिनिश में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको भी ब्लैक और व्हाइट बाइंडिंग देखने को मिल जाती है बॉडी पे, और ब्लैक बाइंडिंग देखने को मिल जाती है नेक पे। और यहाँ पे आपको भी तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक तो है ये चेरी बर्स्ट, इसके अलावा एक ऑप्शन आता है विंटेज बर्स्ट, और इसके अलावा आपको एक नेचुरल कलर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है इसमें। इस गिटार में आपको जो है एक स्लिम सी शेप वाइड नेक प्रोफाइल देखने को मिलती है। वाइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो नट विड्थ है वो 44 mm है, और यूजुअली जितने भी एकुस्टिक गिटार्स होते हैं उसमें मोस्टली 43 mm नट विड्थ होती है। तो यहाँ पे पर्सनली मेरे को ये वाइडर नेक प्रोफाइल थोड़ी बेटर लगी। इस गिटार में जो फ्रेटबोर्ड और ब्रिज बना है वो है पाओ फेरेको, और यहाँ फ्रेट्स जो है वो इसमें काफी बढ़िया लगे हैं, मतलब ओवरऑल फ्रेट वर्क जो है वो तो है ही काफी बढ़िया, लेकिन इसके अलावा दीज फ्रेट्स आर 30% स्ट्रॉन्गर रस्ट रेजिस्टेंट। और यहाँ थर्ड फ्रेट पे आपको एक हनीकॉम स्टाइल इनले देखने को मिल जाता है, जो कि बड़ा ही कूल और डिफरेंट लगा मुझे इस गिटार में। हेक्स की अकूस्टिक गिटार्स में एक और बड़ा स्पेशल फीचर होता है जो कि आपको कम प्राइस में नहीं देखने को मिलता बाकी किसी ब्रांड्स में, और वो है यहाँ पे जो है आपको एक 44 mm की नट विड्थ देखने को मिल जाती है। तो ये जो है मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि हेक्स की पूरी रेंज जो है अकूस्टिक गिटार्स की अभी उसमें ये 44 mm की नट विड्थ देखने को मिलती है। दिस इज़ रियली गुड अगर आप जो है फिंगर स्टाइल प्ले करना चाहते हैं, या आपको अगर थोड़ा सा वाइडर फ्रेटबोर्ड चाहिए तो भी ये जो है एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इस गिटार में जो नट और सैडल है वो बनी है ऑयल्ड बोन की। तो यूजुअली मैं जो है अपने रिव्यूज में हेडस्टॉक डिजाइन की बात नहीं करता क्योंकि वे बड़े जनरल से होते हैं, लेकिन यहाँ पे हेक्स में ना हेडस्टॉक डिजाइन भी थोड़ा सा स्पेशल है। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा अच्छा डिजाइन देखने को मिलता है, और यह हेडस्टॉक में भी एक पतली सी प्लेट लगी हुई है, दैट इज प्रोबेबली पाओ फेरो ओनली। तो आपको जो है काफी अच्छा सा टेक्सचर देखने को मिलता है जब आप इसको पास से देखेंगे, और हेक्स का लोगो इसमें काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। और यहाँ पे बात करें ट्यूनिंग कीज की, तो इस गिटार में आपको मिल जाती है प्रीमियम डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज 18:1 गियर रेशियो की। इस गिटार में आपको डीएडीओ की EXP16 फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाती हैं। अब बात करें फ्री एक्सेसरीज की, तो SJ300 के साथ आपको जो है एक पैडेड बैग मिल जाता है, ओवरऑल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैग है ये, और इसमें जो है आपको पैडेड बैकपैक स्लीव्स भी मिल जाती है, और यहाँ पे जो हैंडल है इस बैग में वो भी कुशनड है, अच्छा है काफ़ी। और यहाँ पे भाई आपको कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं, तो यहाँ पे आपको जो है एक चेरी पिकगार्ड मिल जाता है, इसके अलावा आपको जो है एक एलन की मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो करेंटली SJ300 आपको मिल जाता है 19,000 का, और इस पे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो जो बेस्ट बाय लिंक और डिस्काउंट कोड है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब इस गिटार का साउंड चेक कर लेते हैं।
तो भाई साउंड वाइज मेरे को ये गिटार बहुत ही बढ़िया लगा है। यहाँ पे आपको जो है काफी अच्छा वॉल्यूम प्रोजेक्शन और काफी अच्छा बेस रिस्पॉन्स सुनने को तो मिलता ही है। इसके अलावा जो ट्रेबल्स हैं काफी क्लियर और टाइट है इस गिटार में, और यह साउंड के अलावा जो कंफर्ट लेवल है वो भी मेरे को बेटर लगा एज कम्पेयर टू अ ट्रेडिशनल एकॉस्टिक गिटार। तो यहाँ पे यार इस गिटार में मेरे को यही चीज बहुत बढ़िया लगी कि आपको जो है कंफर्टेबल गिटार मिल रहा है विदाउट सेक्रीफाइसिंग द टोनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रेडिशनल ड्रेडनॉट साइज गिटार। तो भी देखो साउंड वाइज, क्वालिटी वाइज, कंफर्ट लेवल वाइज ओवरऑल काफी बढ़िया गिटार है, और जो स्पेक्स आपको ऑफर हो रहे हैं जिस प्राइस पॉइंट पे हो रहे हैं वो भी डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, क्योंकि 19,000 में इस तरह की क्वालिटी यूजुअली अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बस मेन यही है कि ये गिटार जो है एक प्लेन वेरिएंट है, इसमें इलेक्ट्रोकूस्टिक वेरिएंट नहीं आता। तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रोकूस्टिक बनाना चाहते हैं या ट्रांस अकूस्टिक बनाना चाहते हैं, बस आपको सिंपली क्या करना है, प्रोक्राफ्ट इंडिया की वेबसाइट पे जाना है और आप किसी भी गिटार के पेज पे जाओगे, उसमें आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसको क्लिक करके आप जो है पिकअप सिलेक्ट कर सकते हो, और जब आप गिटार ऑर्डर कर रहे हो तो उसके साथ पिकअप का एक बंडल बन जाता है और वो पिकअप आपको इंस्टॉल करके भेजते हैं। तो राइट आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक प्रॉपर इलेक्ट्रोकूस्टिक या ट्रांस अकूस्टिक गिटार भी मिल सकता है अपनी पसंद का। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये गिटार कैसा लगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।